पॉलिटिकल लोग जो आप पर हमला कर रहे हैं उसका क्या कहेंगे? वो तो होगा ही, क्योंकि मेरा तो कोई माय बाप है नहीं ना, मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता नहीं हूं ना। मेरे घर में कभी कोई जज, कलेक्टर, हाकिम और कोई पॉलिटिकल आदमी तो हुआ नहीं। खेत से निकला, खेती करता था, भैंस चराता था और खेत में हल चलाता था। वहां से उठ करके मैं आया हूं ना। 38 जिले हैं, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, 40 जिले हैं। 40 जिलों में से 26 जिलों में किसी न किसी रूप में काम करने का मौका मिला है, चाहे एसपी के रूप में, डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में। और जिन जिलों में किसी भी हैसियत से काम नहीं करने का मौका मिला है, उन लोगों से भी मैं बहुत गहरे जुड़ा हूँ, आत्मीय रूप से जुड़ा हूँ। और बक्सर मेरी माटी है, जहाँ से मैं पैदा हुआ, जहाँ पला बढ़ा, वहाँ से निकला। तो मैं अपने बारे में कोई भी फैसला इन लोगों से विमर्श करके ही लूंगा। प्रतिदिन यहाँ पर देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हर जिले से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बेगूसराय में आंदोलन हो रहा है कि आप यहाँ से आइए, चुनाव लड़िए। मुजफ्फरपुर में हो रहा है, सीतामढ़ी में हो रहा है, शिवहर में हो रहा है, बक्सर में हो रहा है, शाहपुर में हो रहा है, पश्चिमी चंपारण में हो रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हो तो आप हमारे यहाँ आइए। तो एक सामूहिक निर्णय होना होगा। सब तो मेरे से उतने ही गहरे जुड़े हैं, तो जनता का निर्णय होगा, विचार चल रहा है। अगर वो चाहेंगे कि मुझे राजनीति में आना चाहिए तो मैं राजनीति में आ सकता हूँ।